8 अगस्त से आशा वर्करों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल पर जाने से पहले उन्होंने सरकार को जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके अलावा कई बार उन्होंने सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन जब उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो उन्हें मजबूरन हड़ताल का रुख करना पड़ा। पलवल और करनाल में भी आशा वर्करों ने जमकर नारेबाजी की। चलिए अब आपको आशा वर्करों की मांग के बारे में भी बताते हैं। आशा वर्करों को पक्का किया जाए, जब तक पक्का नहीं किया जाता है तब तक उन्हें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। आशा वर्कर को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। मानदेय और प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाए। अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। आशा वर्कर की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। ड्रेस के लिए 2,000 रुपए वार्षिक दिए जाए। राज्य कमेटी ने फैसला लिया, अभी कोई पक्ष विपक्ष का कोई विधायक आशा वर्करों की आवाज़ सरकार तक नहीं उठा रहा, ना मुख्यमंत्री समेत किसी ने भी कोई बात नहीं करी, तो ये फैसला लिया गया। अभी 25 तारीख का विधानसभा सेशन है, मानसून सत्र भी, उससे पहले जो 90 विधायक हैं, चाहे पक्ष है विपक्ष है कोई सी भी पार्टी है, सबको ज्ञापन दिए गए हैं। लास्ट दिन था, 24 तारीख है, और ये अपील की है कि विधानसभा में आवाज़ उठाए आशा वर्करों की, और सरकार ने जो इनकी मांगे 2018 में मानी थी लगभग वही मांगे मांग पत्र में है जो इन्होंने यस कर रखी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन नहीं की थी। तो हमारी ये अपील है कि ये हड़ताल सरकार की मर्जी पे अब आगे चलेगी, यदि सरकार चाहेगी तो उसको बातचीत करके जितनी मतलब जायज सारी जायज मांगे हैं इनको लागू करे, और इससे आगे भी यदि सरकार नहीं मानती तो हम 28 तारीख को पूरी 20,000 आशा वर्कर और CI2 के भी जितने हमारे पदाधिकारी हैं हरियाणा में, सारे पंचकूला यमुना पार्क में इकट्ठे होके विधानसभा का जो सेशन है विधानसभा से पूछ करेंगे और सरकार का वहाँ पे घेराव करेंगे। सरकार बातचीत करती है ठीक है, नहीं तो अगले आंदोलन की घोषणा भी 28 तारीख को ही की जाएगी। 28 अगस्त को सभी आशा वर्करों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। देखना होगा कि सरकार और आशा वर्करों के बीच कब तक बातचीत हो पाती है। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा और करनाल से हिमांशु नारंगी।